हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे इसकी क्या क्या वैकेंसीज, क्या क्या पोस्ट हैं इसकी और इसका स्टाइपेंड और एलिजिबिलिटी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल पे। तो जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब चले तो आपको इस टाइप का जो है मेरे चैनल का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज हैं, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट वैकेंसी जो, चाहे वो GRF हो, SRF हो, RA पोजीशंस हो, या आपकी लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, या आपका जो है लाइक PhD एडमिशन या MSc एडमिशन रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उन सबको मैं अपने चैनल पे रेगुलरली जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप CSIR, GRF, UGC, DBT, GATE, ICMR, GRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी BSc या MSc कॉम्पिटिशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आप जो मेरे चैनल को यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसे मैं कॉन्टिन्यूसली जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप जो है जॉब से रिलेटेड भी कोई भी कंटेंट को मिस ना करें और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंटेंट को भी आप यहाँ पे मिस ना करें। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। तो देखिए, दो नोटिफिकेशन आया है, वो आया CSIR से। तो ये देखिए, CSIR CCMB यानी CCMB जो है, जो कि वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है CSIR का, सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिकुलर बायोलॉजी, जो कि तेलंगाना में सिचुएटेड है। तो यहाँ से जो है नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन कर रखा है और साथ ही साथ जो मल्टीपल प्रोजेक्ट पोजिशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी CSIR CCMB में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट पोजिशन आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ जीनोमिक्स एट द CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद। वी आर लुकिंग फॉर टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल टू एट ऑल द लेवल्स टू ज्वाइन अस इन परसुइंग वेरियस लार्ज स्केल मल्टी इंस्टीट्यूट कोलाबरेटिव जीनोमिक्स प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे देखिए लास्ट डेट जो है वो है आपका 5 सितंबर 2021। और जो यहाँ पे देखिए, अगर आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप जो है यहाँ पे www.ccmb.res.in पर जाके जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, तो जो हमारी सबसे पहले पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट। तो नंबर ऑफ पोजिशन उन्होंने मैंसन कर रखा वो 1 है। तो यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका डॉक्टर डिग्री होना चाहिए साइंस, या मास्टर डिग्री आपका इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो डिजायरेबल क्या है आपका यहाँ, डिमॉन्स्ट्रेबल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो यहाँ पे आपने अगर इनमें से फील्ड्स में आपने जो है अपना जो है आपका एक्सपीरियंस इनमें से किसी भी फील्ड में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम एज जो है 45 ईयर्स होनी चाहिए और सैलरी जो है वो आपकी रहेगी 1,25,000 पर मंथ। दूसरा है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3। तो यहाँ पे देखिए नंबर पोजिशन 4 मेंशन कर रखा है। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्टर डिग्री इन साइंस और मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे आपको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D में आपका होना चाहिए इन इंडस्ट्रियल या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें अगर आपका लाइक एलिजिबिलिटी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है वो 45 ईयर्स है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप मेंशन कर रखा है तो आप रीड कर सकते हैं। और यहाँ सैलरी जो है वो आपकी 78,000 प्लस HRA आपको यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है हमारा प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2। जो नंबर ऑफ पोजिशन यहाँ 1 मेंशन कर रखा है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका डॉक्टर डिग्री इन साइंस होना चाहिए, सेम क्वालिफिकेशन है ये तो कंपलसरी सब में होना ही होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए R&D में। ठीक है, या इंडस्ट्रियल या एकेडमिक इंस्टीट्यूट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटी सर्विसेज। तो यहाँ पे 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अपर लिमिट 40 है। एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, तो यहाँ पे फील्ड मेंशन कर रखिए। अगर आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस है 3 ईयर्स का तो आप इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका जो लाइक एमोलूमेंट से सैलरी दी जाएगी वो आपको 67,000 प्लस HRA यहाँ पे आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 नंबर पोजिशन 1। यहाँ पे आपका डॉक्टर डिग्री इन साइंस या मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स और यहाँ पे एक्सपीरियंस जो आपका होना चाहिए वो आप देख सकते हैं। अगर आपका पॉपुलेशन जीनोमिक्स में एक्सपीरियंस है या क्लिनिकल जीनोमिक्स में, कैंसर जीनोमिक्स में, डिनोवो असेंबली में, जीनोम असेंबली में, तो आप जो है यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका जो एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सैलरी आपको 66,000 प्लस आपको 24% HRA दिया जाएगा, क्योंकि ये मेट्रो सिटी है। तो यहाँ पे लाइक मेट्रो सिटी में आपको आपको जैसा आपको पता है कि 24% HRA रहता है, वहीं 60% जो HRA रहता है वो आपका रहता है नॉन मेट्रो सिटी में। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। यहाँ पे आपको
लाइक आपका एचआरए में, तो जैसे अगर आप हैदराबाद में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो है 24% एचआरए मिलेगा, वहीं अगर आप लखनऊ में कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे 16% एचआरए जो दिया जाता है, वो डिपेंड करता है आप किस सिटी में जो है आप रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन। तो ये जो पोजीशन, इसमें आप देख सकते हैं नंबर पोजीशन 2 मेंशन कर रखा है। इससे क्वालिफिकेशन सेम है आपका, 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको आरएनडी में, डॉक्टर डिग्री या आपके पास डॉक्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, तो आपको यहाँ पे 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके मास्टर डिग्री है तो आपको 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वहीं अगर आपके पास डॉक्टर डिग्री तो आपको 4 ईयर्स का रिसर्च 4 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अपर एज में 40 ईयर्स, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है, तो अगर आपके पास है तो आपको यहाँ प्रेफरेंस दिया जाएगा। सैलरी आपको 49,000 प्लस आपको यहाँ पे एचआरए जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है सैलरी 49,000 रहेगी। ऐसे ही आप देख सकते हो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसीज को, यहाँ पे सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट वैकेंसी निकली, यहाँ पे नंबर पोजीशन 7 है, तो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डॉक्टर डिग्री आपके अगर आपके पास है तो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस उन्होंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ मास्टर डिग्री तो आपको 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर डॉक्टर डिग्री तो आपको यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अपर लिमिट 40 ईयर्स है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है, और यहाँ पे सैलरी 42,000 प्लस आपको एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट की, तो यहाँ पे पोजीशन देख सकते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट की है, तो यहाँ पे जो है आपका नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो 17 है। यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए नेचुरल साइंसेस में, या बेस्टर डिग्री आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पे आपका एज लिमिट 35 ईयर्स है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन 1 और मोर तो यहाँ मेंशन कर रखे हैं, तो अगर आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा वो 31,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा, अगर आपके पास सीएसआईआर नेट या गेट है। ठीक है, अगर आपके पास अगर नेट है या आपके पास गेट है तो आपको यहाँ पे जो लाइक फेलोशिप है या स्टाइपेंड वो 31,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा, यानी कि 24% एचआरए यहाँ पे आपका रहेगा। वहीं अगर आपके पास नॉन नेट है, यानी कि नो नेट नॉन नेट अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे 25,000 दिया जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे एचआरए जो है वो भी दिया जाएगा। ठीक है, एचआरए सेम रहेगा, 24% आपका एचआरए रहेगा, तो आप जो है यहाँ पे अगर नेट नहीं है तब भी आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 का पोजीशन है, नंबर पोजीशन 5 है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री सेम है एंड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है आरएनडी आपका होना चाहिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन कर रखा है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सैलरी जो है वो 35,000 प्लस आपको एचआरए दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास सीएसआईआर नेट या गेट है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, तो यहाँ पे देख रहे लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, तो यहाँ पे आपका पीएससी होना चाहिए या आपका 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जू वर्किंग इन जूज और वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू में, या एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग क्लिनिकल मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग कोविड रिलेटेड प्रोजेक्ट और टेस्टिंग लेबोरेटरी में, और यहाँ पर एज लिमिट 50 ईयर्स है, और यहाँ पे तो आपको 20,000 प्लस आपको एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको पूरा यहाँ पे इन्होंने जनरल टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर रखे हैं, तो आप ये जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी टीएडीए आपको नहीं दिया जाएगा आपका, अगर फिजिकल इंटरव्यू होगा तो, अगर आप जो है लाइक कैटेगरी में अप्लाई कर रहे तो आपको यहाँ पे SC ST या OBC सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था CCMB की तरफ से। तो अगर आप जो है रिसर्च में एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं वन ऑफ द बेस्ट रेपुटेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया CCMB, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।